पाक डिफेंस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नासिंग रामी अमेरिका का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर CH-53 है, लेकिन 1971 में पेरिस में एक नुमाइश मुनक्कद होती है और रूस मेल V-3 नामी हेलीकॉप्टर को नुमाइश के लिए पेश करता है। इससे पहले दुनिया ने इतना बड़ा हेलीकॉप्टर नहीं देखा था, जिससे दुनिया हैरान होकर रह गयी। इसके साथ ईरानी की एक और बात यह भी थी कि इसमें 200 मुसाफिर भी लाए गए थे और इसने दुनिया में एक रिकॉर्ड बना दिया था। और अजीब बात यह भी है कि रूस का ये रिकॉर्ड आज तक कोई न तोड़ सका। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब पेरिस का शो खत्म हुआ और ये हेलीकॉप्टर वापस रूस की तरफ गया, तो इसके बाद दोबारा नहीं देखा गया। इसके साथ क्या सानिया हुआ, इसके साथ क्या बीती, क्या कोई हादसा इसको ले बैठा या किसी ने इसको अगवा कर लिया, आज किस वीडियो में हम इसी कहानी को पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। लेकिन मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से इल्तमास है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी मौसूल हो सके। तो वाइये नासरीन, चल कर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नासिंग रामी हेलीकॉप्टर ऐसी चीज है जो ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँच कर साजो सामान और इंसान को पहुँचा सकता है जहाँ कोई त्यारा या जहाज या टैंक नहीं पहुंच सकता। रूस को भी इसकी अहमियत का अंदाजा था और एक बड़ा मुल्क होने के नाते इसको जरूरी था कि इसकी निस्बत से ही एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाया जाए। इस मकसद के लिए रूस ने 60 की दहाई से ही दुनिया के बड़े और जदीद तरीन हेलीकॉप्टर बनाना शुरू कर रखे थे। लेकिन कोल्ड वॉर के रूज के वक्त रूस ने सोचा कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बना लिया जाए जो दुनिया में यूनिक हो और इससे बड़ा हेलीकॉप्टर कोई न बना सके, यहाँ तक कि अमरीका के पास भी इस किस्म का कोई हेलीकॉप्टर न हो। इस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को नेशनल सिक्योरिटी में पेश कर दिया गया। उस वक्त एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से रूस के लिए ये हेलीकॉप्टर बनाना नागुजीर हो गया। अमेरिका ने अपने जासूस तैयारों के जरिए रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों की लोकेशन मालूम कर ली और इसके लिए इसने अपने तैयारों को रूस की फिजा में भेजना शुरू कर दिया था। रूस ने अपना ये मिसाइल दूर दराज के जंगल में छुपाए रखा था, लेकिन अमरीका ने इसकी सारी खुफिया ठिकानों को मालूम कर लिया, जिसकी वजह से रूस शस्त्र होकर रह गया और इसको परेशानी लाहक हो गई और सोचने लगा कि अमेरिका ने किस तरह इसकी लोकेशन को ढूंढा है और किस तरह अमेरिका को इन खुफिया ठिकानों का पता चल गया है। असल में अमेरिका को इन ठिकानों को मालूम करने की एक तरकीब ढूंढ ली थी। अब रूस को जब इल्म हुआ कि अमेरिका ने इन ठिकानों का पता लगा लिया है कि इन मिसाइलों की किस तरह हिफाजत की जाए और अमेरिका की नजरों से किस तरह बचाया जाए, अब ये सोचा गया कि किस तरह इनको किस जगह पर मुंतकिल किया जाए। इस मकसद के लिए एक ट्रेन की जरूरत महसूस की गई, क्योंकि इतना बड़ा मिसाइल किसी गाड़ी में नहीं भेजा जा सकता था। अब एक फिर मुश्किल दरपेश थी, कितनी लंबी रेलवे लाइन बिछाई जाए जो इन नए खुफिया ठिकानों तक पहुंचाए। लेकिन इसमें भी एक रिस्क था कि ट्रेन की लोकेशन मालूम करना अमेरिका के लिए बहुत ही आसान था। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ अमेरिका ने भी भांप लिया था कि रूस की ट्रेन की पटरी के साथ साथ इसकी लोकेशन तक पहुँचा जा सकता है और ये बात रूस भी जानता था कि रेलवे की पटरी तो सियारे से भी नजर आ जाती है, तो अमरीकी त्यारे इसको भी ढूंढ निकालेंगे। इसलिए इस मंसूबे को भी पसे पुश्त में डाल दिया गया और ये सोचने के लिए एक मीटिंग हो रही थी और सोशल सिक्योरिटी इस पर गौर कर रही थी कि अमेरिका से किस तरह अपने मिसाइलों को महफूज रखा जाए। इसके लिए रूस ने एक ऐसा मंसूबा बनाया। प्यारे दोस्तों, रूस अपने मिसाइलों को ऐसे मुकाम तक पहुँचाना चाहता था जिसकी लोकेशन अमरीका तलाश न कर सके, और इस जगह तक पहुँचाने के लिए न तो पटरी बिछाई जाए न सड़क बनाई जाए, तो फिर क्या किया जाए, इस पर गौर हो रहा था। आखिरकार ये मामला तय पा गया कि इन मिसाइलों को हवा के जरिए वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसके लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जाएं और इनको नीचे भारी संगलों के साथ ये मिसाइल बांधकर मतलूबा मुकाम तक पहुँचा दिया जाए। अब फिर सवाल ये उठता था कि ऐसा हेलीकॉप्टर कहाँ से लिया जाए जो इतना बोझ उठा सके। उस वक्त जितने भी हेलीकॉप्टर रूस के पास मौजूद थे, इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन मिसाइलों को उठाकर प्रवास कर सके। इसलिए कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का वजन 25 टन था, इसलिए रूस ने सोचा कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जाए जो 25 टन से भी कहीं ज्यादा बोझ उठा सके। नासिंग रामी, इससे पहले भी दुनिया में इस किस्म का कोई हेलीकॉप्टर मौजूद ना हो। उस वक्त के मुताबिक जो रूस का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर था वो भी इन मिसाइलों को नहीं ले जा सकता था, इसलिए रूस ने इस बड़े हेलीकॉप्टर को भी नजरअंदाज करके इससे भी दुगनी ताकत का हेलीकॉप्टर बनाने का तैयार कर लिया था। इसके लिए एक ताकतवर इंजन और एक ऐसी टेक्नोलॉजी की
जरूरत थी जो रूस किस मकसद को कामयाबी के साथ मुकम्मल कर सके। इसके लिए एक सोच ये थी कि रूस का MI-6 हेलीकॉप्टर को डबल ताकत दी जाए और इसमें दो इंजन लगाकर इसको एक ताकतवर हेलीकॉप्टर में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन इस तरह का काम अमरीका पहले ही कर चुका था और इसकी मकबूलियत भी इसको हासिल हो चुकी थी, लेकिन रूस इसके बरक्स कुछ और करना चाहता था, इसलिए इस प्रोग्राम को भी रद्द कर दिया गया। लेकिन इसके साथ ये प्रोग्राम बनाया गया कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाया जाए जिसके दोनों इतराफ में बड़े बड़े इंजन लगाए जाएं और इस तरह एक बड़ा हेलीकॉप्टर बना दिया जाए। इस हेलीकॉप्टर का मुजस्वी नाम V-12 रखा गया था। ये ऐसा हेलीकॉप्टर था कि कहा जा सकता था कि आधा जहाज है और आधा हेलीकॉप्टर है। प्यारे दोस्तों, दरमियान का हिस्सा किसी त्यारे की तरह था जबकि दोनों इतराफ में हेलीकॉप्टर की तरह के पंखे लगाए गए थे। इसको बैलेंस में रखने के लिए इसके दोनों इतराफ के पंखे एक दूसरे के मुखालिफ घूमते थे। इस तरह हवा के रिएक्शन को खत्म किया जा सकता था। इसको चलाने के लिए 6 अफराद की जरूरत थी क्योंकि ये एक बड़ा हेलीकॉप्टर था। इन 6 अफराद में मुख्तलिफ कामों के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते थे, जिनमें पायलट को पायलट इंजीनियर और इस तरह के और लोग इसमें मौजूद थे। ये इतना बड़ा हेलीकॉप्टर था कि 196 अफराद को ले जा सकता था। इसके साथ साथ फौजी साजो सामान की मुंतकिली के लिए भी इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन इसके बनाने का मकसद ये था कि रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों को ऐसी खुफिया जगह पर मुंतकिल करना था जिनसे अमरीका ना वाकिफ होता। अब मंसूबा ये था कि पहले ये मिसाइल किसी कार्गो त्यारे के जरिए दूर दराज के एयरपोर्ट तक ले जाया जाता, इसके बाद वहाँ से V-12 हेलीकॉप्टर में लोड करके किसी दूर दराज उन जानम मुकाम पर ले जाया जाता। प्यारे दोस्तों, रूस में जंगल बड़ी तादाद में पाया जाता है, इसलिए इन मिसाइलों को छुपाना मुश्किल नहीं था, लेकिन वहाँ तक पहुँचाना मुश्किल था। इसलिए ये हेलीकॉप्टर बनाया गया। ऐसी जगहों से अमरीका के लिए मिसाइलों को ढूंढना नामुमकिन था। रूस ने जब 1971 में अपना ये हेलीकॉप्टर नुमाइश में पेश किया तो ये कई वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका था। प्यारे दोस्तों, मगर भी दुनिया ने जिस तरह इस हेलीकॉप्टर को देखा तो सिवाय इसके वो परेशान होकर रह जाते। इनके पास कोई और चारा नहीं था थे और वो सिर्फ सोच ही सकते थे कि रूस ने इतना बड़ा हेलीकॉप्टर किस मकसद के लिए बनाया है। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन रोक दी गई, इसलिए कि जो काम इससे लेना था वो मुकम्मल हो चुका था। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज में पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दीगर तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगेबान।